नेक्स्ट 9 लाइफ देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस खास वीडियो में। वीडियो की शुरुआत करेंगे और एक बार फिर से बात करेंगे टीवी एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा के केस की। आज का दिन तुनिशा शर्मा के केस के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि आज शजान खान को एक बार फिर से वसई कोर्ट में पेश किया जाएगा। दरअसल आपको बता दें कि बीते 24 फरवरी को वसई कोर्ट की तरफ से ये फैसला आया था कि थोड़ी देर में, या माफ कीजिएगा, यहाँ पर 27 फरवरी को पेशी का दिन रखा गया क्योंकि चार्जशीट को लेकर अभी भी कुछ वक्त कोर्ट की तरफ से लिया गया है। 524 पन्नों की चार्जशीट वसई पुलिस की ओर से कोर्ट में दाखिल की गई बीते 16 फरवरी को, जिस पर संज्ञान लिया जा चुका है, लेकिन अभी भी इसे सूचीबद्ध नहीं किया गया था, जिसे देखते हुए कोर्ट ने 3 दिन का और इस केस के लिए वक्त दिया है। और अब यहां पर अगर बात करें तुनिशा शर्मा के वकील तरुण शर्मा की, तो उन्होंने चार्जशीट को लेकर कई खुलासे किए हैं। साफ तौर पर उनका कहना है कि जो आखिरी बातचीत यहां पर शजान खान की तुनिशा शर्मा से हुई है व्हाट्सएप के थ्रू, वो चैट जो है वो पूरी तरह से रिट्रीव कर ली गई है, जिसके बाद तरुण शर्मा ये दावा कर रही हैं कि इस केस में शजान खान को बिल्कुल भी जमानत नहीं मिल पाएगी। ऐसे में लगातार सवाल ये उठ रहा है, फिर आखिरकार किस बिना पर शजान खान के दोनों वकील यानी कि शरद राय और शैलेंद्र मिश्रा, वो किस आधार पर ये दावा कर रहे हैं कि केस बिल्कुल ही बेबुनियाद है और 27 फरवरी को उनके वकील को पूरी तरह से जमानत मिलने के जो आसार है। इसके साथ यहां पर अगर बात करें तो अब ये भी उम्मीद जताई जा रही है कि आज की पेशी में जो अली नाम का शख्स है, जिसे शजान खान के पक्ष की ओर से तुनिशा का बॉयफ्रेंड, सीक्रेट बॉयफ्रेंड का नाम दिया गया था, तो वहीं दूसरी ओर जो तुनिशा शर्मा की मां है वो सिर्फ इस अली को तुनिशा का बहुत अच्छा दोस्त और जिम ट्रेनर बता रही थी। तो अब ऐसे में अगर अली को वाकई में आज कोर्ट में पेश किया जाता है तो उसका बयान बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो तुनिशा शर्मा के आखिरी 15 मिनट है उनमें अली से ही तुनिशा ने बात की थी। कई ऐसी चीजें हो सकती हैं जो शायद सिर्फ और सिर्फ अली जानता है, क्योंकि अभी तक पुलिस ने यह नहीं बताया कि जो स्टेटमेंट अली ने दिया है पुलिस को वो आखिरकार क्या है। 15 मिनट को लेकर के क्या कुछ बातें यहां पर अली ने बताई हैं, क्या अली कुछ ऐसा जानता है उन 15 मिनट में आखिरकार क्या हुआ, क्योंकि जब शजान खान उस मेकअप रूम से बाहर निकले तो उसके बाद ही तुनिशा ने यह कदम उठाया है, और उस कदम को उठाने से महज 15 मिनट पहले अगर अली को कॉल किया है तो वाकई में कुछ बहुत जरूरी रहा होगा जो तुनिशा शायद अली से कहना चाहती थी। तो अब देखने वाली बात यही होगी कि थोड़ी देर में सुनवाई शुरू हो जाएगी, दोनों पक्ष के जो वकील हैं वो कोर्ट पहुंच चुके हैं और अब इंतजार इस चीज का किया जा रहा है कि क्या आज की पेशी के बाद शजान खान को राहत मिलती है, क्या शजान खान को जमानत मिलती है। फिलहाल के लिए इस खास खबर पर इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।